एक महीने हो गए माँ मर गई इसके। तो गांव से लोग आए 7 दिन हो गए। तो शाम को फोन पर 6 बजे सब्जी लेने गए, तो 1 घंटे में आए। तो फिर लोग बाहर गए, देखा तो लड़के के साथ जा रहे थे, तो उसके छोटा भाई है उसने देखा था, फिर इस गली में आके रहे। तो फिर 3 दिन हो गए, चलो भाग गए होंगे, किसी के साथ गए हुए या कोई चक्कर होगा। हमने बोला आ जाएगी घर पे, फिर आई नहीं। उसका छोटा भाई बोल रहा था कि मम्मी तो मर गई। अच्छा, दीदी कहाँ गई? बोला आ जाएगी। बोला नहीं, मैंने देखा चेना मर गया, नहीं मैं गुस्से, मैंने देखा दीदी को, तो आप भी गुस्से। तो बच्चे को हम लेके आए साथ में, हम लोगों ने तो कंप्लेन करा था, तो पुलिस स्टेशन गए, बॉडी का तो सर था ही नहीं। किस कंडीशन में जब आप अंदर गए थे, बॉडी किस कंडीशन? बॉडी का तो सर था ही नहीं, यहाँ से लेके अच्छी रहता है, यहाँ से अच्छी रहता मांस पूरा साइड में। जानकारी तो मैं अभी आ रही थी, मैं तो इस रोड से गुजर रही थी अभी, तो मैंने देखा पुलिस को, मैंने पूछा जो क्या किस तरह की घटना हुई है, तो उन्होंने बताया जो किसी की मर्डर हुई। मर्डर की मिसिंग की कंप्लेन कल की थी, कल थाने में मिसिंग थी, और मिसिंग के बाद जब खोजबीन में पता चला जो ऐसा अपराध हुआ, अपराध तो काफ़ी जघन्य था, जो बताने लायक नहीं है, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है। तो अभी पुलिस से भी बात हुई है, उन्होंने कहा जो कि हत्यारों को तो जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी समाज में जिस तरीके से हो रही है, परसों भी एक मर्डर हुई है हमारे यहाँ, जो नहर के पास बॉडी काट, मतलब बहुत ही निर्मम हत्या। तो मानवता नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, डर नाम की चीज़ जो लोगों पर से ख़त्म हो गई है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है हम सब के लिए। और अभी जो हत्या हुई है लड़की की, और उस किसी को पता नहीं चला किस तरीके से किया गया, अगल बगल किसी को नहीं पता चला, और घर के अंदर लॉक करके जाने की हिम्मत जिस भी अपराधी को है। तो मैं तो अभी पुलिस से यही कहूँगी कि जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़ा जाए, और इस तरीके की निर्मम हत्या करने की कोई आगे जरूरत ना करे, इस उसको कड़ी से जाती जाए।